एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारी जो डव थी वो हमारी डव जो है उड़ गई है। वो पता नहीं यहाँ से जो है वो देखिए जरा सा खुला था ना, वहाँ से पहले यहाँ बैठी, यहाँ से फिर वहाँ गई और वहाँ से फिर जो है वो कहीं गायब हो गई है। पता नहीं किधर चले गई, मुझे यहाँ से दिख भी नहीं रही है। वो इतनी छोटी है यार, वो तो दिखेगी भी नहीं यार। एक बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मैं जो है इसके अंदर जो है ये वाली ग्रीन वाली जो फिट कर रहा था, ये समथिंग बस देखिए इतना सा ऐसा खुला होगा। और इधर से यहाँ से निकली और मेरा हाथ भी यहीं था, यहाँ से निकल के जो है वो यहाँ पर बैठी और यहाँ से फिर मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी तो वहाँ बैठ के और वो गायब हो गई। तो यार आज जो है ये बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया यार मेरा। क्या यार भाई, तुम लोग के लिए तो कर रहा था मैं ये सब। देखो मैं सोचा था कि इन लोगों के लिए ब्रीडिंग के लिए दूसरी वो रख लूँ, अब तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। वो इतनी ज़्यादा दूर गई है कि ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या। देखो वो पहले जो है ना वहाँ गई, वहाँ से फिर उधर उधर उड़ते हुए ना जाने किधर गायब हो गई है यार वो। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है मेरा, बहुत ही बड़ा। शिट यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी वो। चलिए अब क्या कर सकते हैं यार। गाइस आज जो है ना बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया, अब क्या कर सकते हैं यार वो। मैं तो उनके अच्छे के लिए जो है उनके सोच रहा था कि उनके लिए अपन कुछ फिट कर देते हैं ताकि वो अच्छे से ब्रीडिंग कर लें, अच्छे से वो कर लें। बट मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को ये चीज़ पसंद आई, और हो सकता है कि शायद उनको मेरे लॉफ्ट के अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा तो वो यहाँ से चले गई। यार बहुत बुरा लग रहा है यार। बहुत अच्छा मैंने सोचा था कि ब्रीडिंग करवाऊंगा, मेरे को बर्ड्स जो है ना जमती नहीं है, मतलब बर्ड्स फलती नहीं है। बोलते ना कई लोग कि बर्ड्स नहीं फलती, तो मुझे ऐसा ही है यार कि बर्ड्स जो है ना मेरे पास फलती नहीं है, वो उड़ जाती है कहीं ना कहीं तो उड़ जाती है। क्या करें क्या करें, बहुत टेंशन का काम है यार। नहीं मेरे को बहुत अच्छी लगती थी वो, अब वो उड़ गई है। तो चलिए कुछ ना, अपने पास दूसरे हैं, अपन और भी लेकर आ जाएंगे इन फ्यूचर। ये डाकू की हरकतें चेक करो, यहाँ घुस गया है और सबको डरा रहा है वो। देखो जैकोबिन इनकी भी मजा ले, कैपुचिन की भी मजा ले रहा है सबकी। टाइगर टाइगर चलो बाहर जाओ, चलो जल्दी बाहर जाओ, सबको मत डरा, चलो चलो जल्दी जल्दी भागो, भगा दो तुम दोनों आपस में खेलो। हाँ अब यहाँ नहीं आना, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पैराडाइज ऑफ पेट्स के अंदर। तो आप लोगों ने देखा था कि मेरे जो कबूतर जो है बहुत ज़्यादा जो है सुस्त बैठे थे और फूल फूल के बैठे थे। तो आज जो है मैं लॉफ्ट के अंदर आया हूँ और आज जो है इन्हें ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट में जो है इन्हें जो गुड़ आता है, गुड़ समझ लिए, एक लीटर पानी के अंदर इतनी डल्ली जो है गुड़ का हम लोग देंगे। तो गुड़ से क्या होता है कि वो हीट पे आ जाते हैं, मतलब हीट गुड़ जो है अंदर से गर्मी करता है। गर्मी करने से क्या होता है कि वो जो उनके अंदर की जो ठंडक है वो दूर हो जाएगी। आप लोगों ने देखा कि जो जब से वो ट्रेवल करके आए थे तो वो पानी में भीगे थे, पानी में भीगने के बाद क्या हुआ उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती गई। फिर हमारे लॉफ्ट में भी पानी भर गया तो उससे क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा जो है उनको ठंडक अंदर भरा गई। अब क्या होता है जैसे अपन भी देखते हैं कि अपने अंदर जब ठंडक भरा जाती है तो क्या होता है कि अपन अंडे खाते हैं, कुछ खाते हैं, वो अंडे वगैरह तो खा नहीं सकते, तो इसलिए उनको थोड़ी सी गर्माहट देने की ज़रूरत है। तो चलिए आज चलते हैं और हमारे लॉफ्ट का हाल देखते हैं कि क्या है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिख रहा है पहले से। तो नहीं जो है ये गुड़ का जो है लेके आ गए मार्केट से, मुझे मिला 30 रुपीज़ का लगभग। ये काला गुड़ जो होता है ना, ये काला गुड़ जो है लेके आए हम लोग। तो चलिए पहले अपने लॉफ्ट की कंडीशन देख लेते हैं कि पिजन्स कैसे हैं। आप जो देखेंगे माशाल्लाह अभी तो जो है सारे पिजन्स अच्छे दिख रहे हैं, एक्टिव दिख रहे हैं। मतलब जो कल जो उसके अंदर जितनी भी मतलब फूल के वेट रहे थे आज तो सब फुल हेल्दी दिख रहे हैं। और यार मेरे से एक गलती हो गई, कल मैं ये पानी जो है यहाँ से हटाना भूल गया, क्योंकि हमें गुड़ का पानी देना था तो ये सब हटाना ज़रूरी था लेकिन मैं भूल गया जल्दबाजी के अंदर। और कल जो है काम भी बहुत सारा था। तो चलिए अब जो है ये पानी को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। और ये भी हमारे जो पिजन्स जो हैं हमने बंद करके रखे हैं, इन सबको भी खोल देंगे ताकि ये आराम से अपनी फीड ले लें। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आज जो है इनको इनकी फीड वहीं दे देते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर आएंगे फिर एक दूसरे की बीमारी फैलेगी। इससे बेहतर ये है कि इन लोगों को वहीं की वहीं जो है फीड दे देते हैं। आज मेरा मन यूँ हो रहा है कि जितनी हमारी बॉटल्स हैं ये देखो एक दो दिन में कितनी गंदी हो गई हैं, तो आज जो इनको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद फिर हमसे वापस से जो इन लोगों के अंदर लगा देंगे। तो चलिए पहले अपनी बॉटल को रिमूव कर लेते हैं।
इतनी सारी बॉटल्स को और हम लोगों ने इनको इकट्ठा कर लिया। देखिए अभी इसमें से कई कितनी ज्यादा गंदी हो चुकी है, तो इनको जो है हम लोग वॉश करेंगे, उसके बाद जो है इसके अंदर वापस से फिट कर देंगे। मैं बॉटल्स को लेके आ गया हूँ और ये ब्रश है, अभी ब्रश से जो है हम ये बॉटल को पूरा साफ करते हैं। चलिए देखिए, मैंने इन सबको जो है धो तो लिया है, लेकिन पानी देखो कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। मैंने एक बार इसको धो लिया है, अब एक बार और इसको धोना है, और एक दो बॉटल जो है इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा गंदी है, तो उसको एक बार और दूसरे पानी से धोगा। लगभग सभी बॉटलों को मैं फिर से दोबारा पानी से धो लूँगा, ताकि जो है ये अच्छे तरीके से मतलब पूरी वॉश हो जाए। तो चलिए अब इसको जाते हैं, नीचे लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो नल नहीं है, नीचे लेके जाके इसको अच्छे से वॉश करके लेके आते हैं। हमने जो है सब चीज़ धो तो ली है, अब जो है वक्त है उसके अंदर जो है हमारी मेडिसिन ऐड करने का। तो ये काला गुड़, काला गुड़ हम लोग उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि काले गुड़ से जो है हीट आती है कबूतर के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर हीट आती है। तो एक लीटर के अंदर लगभग इतना बड़ा टुकड़ा है, तो हमारा लगभग 2 से 3 लीटर होगा, तो हमें थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो चलिए डाल देते हैं। फाइनली हम लोगों ने इसको जो है भर लिया है और बॉटलों के अंदर रख लिया, जमा लिया है। अब जो है बारी है इसको जो है अपने केज के अंदर लगाने की। लाइगर आ चुका, लाइगर हटो यहाँ से, ये कब से मेरे पास, जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहीं रहता है ये मेरे पास। और ये इसका प्रिंस ही, उसका बाप, देखो दोनों आपसी में कितनी मोहब्बत करते हैं, लड़ते भी बहुत है क्या, लड़ते एक दूसरे को कूटते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे जो है इनको लगा देते हैं, क्योंकि अब दूसरा भी काम है आज। अब वक्त है हमारे पिजन्स को फीड देने का, तो फीड दे देते हैं इनको थोड़ी थोड़ी। देखिए सब भी कितने बेताब हैं। तो चलिए इनको भी बारी बारी से जो है सबको फीड दे देता हूँ। अभी तो देखिए सब फीड के लिए फटाफट से जोश कर रहे हैं, यानी अभी जो है अच्छे हो चुके हैं ये सब। देखिए माशाल्लाह ये सब अपनी अपनी फीड खाते हुए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, और हमारा चैनल पैराडाइज ऑफ पेट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।